फोड़ फोड़ फोड़। ठीक है ना पुत्र? नीचे फिर भी क्यों नहीं फोड़ पा रहे? क्या मालूम? कमाल है, मेरे टप्पू से आज मटकी क्यों नहीं फूट रही है? वे क्यों हो रहा है टप्पू? मटकी फूट क्यों नहीं रही है? पता नहीं मुझसे मटकी फूट क्यों नहीं रही। हाँ हाँ, इतनी ऊपर भी नहीं है फिर भी फूट नहीं रही है। यार टप्पू, टप्पू सेना की इज्जत का सवाल है यार। मटकी को नीचे देखकर हम लोग ने जो ढींगे आके है ना, अब अगर मटकी नहीं फोड़ी ना तो लोग हंसेंगे हम पर। हाँ यार, पता नहीं फ्रेंड्स क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मैं मटकी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा। क्या हुआ टप्पू बेटा, तू यहाँ क्यों आ गया? चाचा जी फूटने वाले अंडे? अरे नहीं भाई नहीं, टप्पू सेना का सरप्राइज होता ना हमेशा। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी सरप्राइज। देखिए ना दादाजी, मटकी इतनी नीचे बंदी है फिर भी मुझसे नहीं फूट रही। हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है। अरे दादाजी आप हंस क्यों रहे हो? टप्पूड़ा हर बार अलग अलग नहीं, मुझसे एक ही गलती हुई है। क्या? ये मटकी देखकर तुमने जो अभिमान किया था ना, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। ये मटकी तो मैं आसानी से फोड़ दूंगा, बस यही तेरी गलती है। अरे अब्दुल भाई ये क्या, हांडी इतनी नीचे बांधी है, ये हांडी फोड़ना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। बाबूजी से क्या बात कर रहा है? मतलब? मतलब ये टप्पू बेटा कि हर इंसान के भीतर अपना एक स्वाभिमान होता है, लेकिन जब वो बाहर छलकता है, इंसान उसका दिखावा करता है, तो वो अभिमान हो जाता है। स्वाभिमान इंसान को हमेशा ऊपर उठाता है, लेकिन अभिमान का बोझ इतना होता है कि वो इंसान को बार बार नीचे गिराता है। तू मटकी फोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन तेरे अभिमान के बोझ की वजह से तुम बार बार नीचे आ रहे हो। अरे दही हांडी का उत्सव तो माखन चोर श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मनाया जाता है बेटा। उसमें अभिमान करने की या किसी से स्पर्धा करने की या किसी को दिखा देने की भावना नहीं होनी चाहिए, समझा? हाँ दादाजी। लगता है हिम्मत दे रहे हैं। आप सही कह रहे हो दादाजी, गलती मेरी ही थी, मुझ में अभिमान आ गया था इसलिए मुझसे मटकी नहीं फूट रही थी। लेकिन अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। ये हुई ना बात, तो चल अभी भगवान का नाम ले और जिस नटखट अंदाज से कृष्ण भगवान माँ जशोदा और गोपियों का माखन चुराने जाते थे, उसी नटखट अंदाज से तू मटकी फोड़ ले जा। ओके दादाजी, मैं ऐसा ही करूंगा। सवार सवार फोड़ दे मटकी। ओके दादाजी। इस बार तो मटकी फोड़ देना।